हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका शर्मा जी के रिव्यूज़ में। दोस्तों, वीवो कर रहा है एक के बाद एक स्मार्टफोन लॉन्च। अभी बहुत ही अच्छा उन्होंने प्यारा सा एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों वीवो Z1 Pro। और अब दोस्तों पूरी की पूरी सीरीज़ जो है लेके आ रहा है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों वीवो की एस सीरीज़। जी हाँ, इसको जो है टीज़ करना शुरू कर दिया है वीवो इंडिया ने। ट्विटर वगैरह पर हर जगह जो है टीज़ करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ ब्रांड एम्बेसडर भी चुनने यहाँ पर जो है स्टार्ट कर दिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वीवो जो है अपना जो है पहला स्मार्टफोन लेके आ रहा है वीवो एस सीरीज में। उसका नाम है दोस्तों वीवो S1। बहुत ही जल्द आपको यहां पे इंडिया में देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी ये फोन जो है वो इंडोनेशिया में जो है वो लॉन्च हो चुका है। आज की दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा वीवो S1 के बारे में, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, कैसी है इसकी फर्स्ट लुक, किस प्राइस में यहां पे इंडिया में आपको देखने को मिलेगा और कब मिलेगा, सबसे बड़ी बात कब मिलेगा दोस्तों। तो आप यार पूरी देखेगा वीडियो, अगर अच्छी लगे तो जरूर से यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों वीवो के S1 की। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि ये फोन जो है वो इंडोनेशिया में जो है वो लॉन्च हो चुका है। अब दोस्तों भारत में ये जो है बहुत जल्द जो है वो लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों। आपको बता दूं कि 10 से 15 अगस्त के बीच बीच में आपको ये फोन जो है वो इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वीवो S1 की स्पेसिफिकेशंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर दोस्तों स्क्रीन साइज की, तो यहां पे आपको 6.38 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड पैनल वाला आपको यहां पे जो है डिस्प्ले देखने को मिलेगा, वो भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। ये अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहां पे जो है वो ग्लास बिल्ड नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये एक जो है वो मिड रेंज का जो है बजट स्मार्टफोन है। तो यहां पे दोस्तों आपको जो है वो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड जो है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अब अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहां पे ये पहला फोन है दोस्तों वीवो का S1 जिसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो P65 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और दोस्तों इसका USP ये है कि आपको जो फ्रंट कैमरा मिलेगा जो वाटर ड्रॉप नॉच में समाया हुआ है, वो दोस्तों 32 मेगापिक्सल का आपको यहां पे जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसका अपर्चर दोस्तों F2.0 होगा। अगर बात करो दोस्तों रियर साइड के कैमरास की, तो वहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिपल कैमरास का कॉम्बिनेशन आपको यहां पे जो है देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों 16 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के आपको यहां पे जो तीन कैमरास देखने को मिलेंगे। जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा होगा दोस्तों, उसका अपर्चर F1.78, 8 मेगापिक्सल वाले का F2.2 और 5 मेगापिक्सल जो कि एक डेप्थ सेंसर होगा उसका दोस्तों F2.4। तो ऐसे आपको यहां पे जो तीन कैमरा जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें जो 8 मेगापिक्सल का होगा दोस्तों वो वाइड एंगल कैमरा होगा। ये अच्छी बात है कि आपको यहां पे जो अच्छी कैमरा क्वालिटी मिलेगी, आपको अच्छा जो है वाइड एंगल जो है वो ओवरऑल व्यू मिलेगा, ऐसे जो है आप वाइड एंगल जो वीडियोस वगैरह है वो कैप्चर कर पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसका USP एक और ये है कि आपको यहां पे जो है इन डिस्प्ले जो है फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक का आपको यहां पे जो है सपोर्ट मिलेगा, ऑलमोस्ट सारे आपको यहां पे जो है सेंसर जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको यहां पे जो है साइड पे जो है एक स्मार्ट बटन भी जो है वो देखने को मिलेगा। उसकी खास बात ये होगी कि उसको प्रेस करके, उसको टॉगल करके आप जो है गूगल असिस्टेंट और साथ ही साथ जो है आप इमेज रिकॉग्नाइजर वाला जो सॉफ्टवेयर है दोनों को जो है टॉगल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक और खुशी की बात ये है कि जैसे आपको पता है कि अभी रियलमी एक्स और रेडमी K20 वगैरह में आपको जो है डेडिकेटेड स्लॉट नहीं मिलता मेमोरी कार्ड का, बट यहाँ पे दोस्तों आपको जो है वो डेडिकेटेड जो है मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलेगा वीवो S1 में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें इसके OS की, तो यहाँ पे आपको जो है वीवो का फ्रंट टच OS 9 जो है देखने को मिलेगा, जो कि रन कर रहा होगा दोस्तों Android 9 Pie के ऊपर। इसके अलावा एक और बड़ी बात इसमें दोस्तों ये है कि इसमें आपको जो है 4500 mAh की दोस्तों बड़ी बैटरी देखने को मिलती है वीवो S1 में, जो कि आपको करीब करीब 1.5 से 2 दिन का बैकअप दे देगी अगर आप जो है नॉर्मल यूजर हैं तो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके वेट की, तो इस फोन का दोस्तों वेट है 179 ग्राम्स का। अगर बात करें कलर्स की, तो ये फोन आपको जो है दो कलर में देखने को मिलेगा। पहला होगा कॉस्मिक ग्रीन, जो करीब करीब जो है वो डार्क ब्लू जैसा लगेगा, और दूसरा होगा स्काईलाइन ब्लू। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। जो दोस्तों इंडोनेशिया में जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट जो है वो लॉन्च हुआ है, 4GB 128GB। अगर उसको कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज़ में, वो हुआ है दोस्तों 17,700 के करीब। बट दोस्तों अगर हम देखें कि आपको सिर्फ और सिर्फ हीलियो का P65 मिलता है, बट अगर दूसरी तरफ देखें कि आपको यहाँ पे जो है ट्रिपल रियर कैमरा यहाँ पे जो देखने को मिलता है, सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, बड़ी बैटरी आपको 4500 mAh की मिलती है, तो बीच बीच में ठीक भी लगता है। बट प्राइसिंग जो है मुझे अभी भी थोड़ी ज़्यादा लगती है 17,700-17,800। आपको दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, लीक्स ये निकल के आई हैं कि 15 अगस्त को ये फ़ोन जो है वो इंडिया में लॉन्च हो सकता है, और इसकी जो प्राइसिंग है यहाँ पे दोस्तों दो वेरिएंट में इंडिया में लॉन्च होगा, 6GB 64GB और 6GB 128GB। तो यहाँ पे दोस्तों जो 6GB 64GB है उसकी प्राइसिंग शायद से 17,990 होगी। मेरे हिसाब से अगर वो प्राइसिंग हुई तो थोड़ा बहुत हजम नहीं होगा। इसकी जो प्राइसिंग है अगर दोस्तों 15 से 16,000 होती है,
तो मेरे हिसाब से ये जो है एक अच्छी बेट होगी। बाकी दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, अगर ये फ़ोन इंडिया में जैसे लॉन्च होता है 15 अगस्त को, तो 6GB 64GB का जो वेरियंट है उसकी प्राइसिंग जो है क्या होनी चाहिए, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, मुझे आपके कमेंट्स का जो है इंतज़ार रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों अब जो है वीवो जो है अभी तो टीज़ कर रहा है और इसकी जो है लॉन्च डेट कब जो है फाइनलाइज़ करता है, बाकी मेरे हिसाब से ये जो है 15 अगस्त को आपको जो है देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबा देना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।